نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم حضرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة كهف کی پہلی جو کہانی ہے अल्लाह अज़्ज़ वजल ने असहाब कहफ वालों के बारे में बताया है। असहाब कहफ वाले जो हैं, जो गार के लोग थे, कहफ माने गार। अब उसमें अल्लाह सुबहानहु व तआला ने कहफ में यानी गार में कुछ नौजवान थे जो कि अपने बादशाह से जान बचाने के लिए गार में गए। पहले ज़माने में गार होया करता था, गार में गए और गार में जाकर छुप गए और अल्लाह ने उनको 300 साल जाकर वहाँ पे सुला दिया। अब ये कहानी यहाँ से शुरू होती है, पहली कहानी ये सूरह कहफ की। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको बयान किया है। नवी आयत से ये कहानी शुरू होती है और 26 आयत तक होती है, यानी 18 आयतें हैं। नवी आयत में अल्लाह ने फरमाया, क्या तुम ख्याल नहीं करते, क्या तुम सोचते नहीं हो कि गार वालों की जो निशानी है मेरी निशानी में से कोई अजीब निशानी है। यानी अल्लाह सवाल पूछ रहा है कि जो गार में हमने 300 साल जो सुलाया उन लोगों को, क्या हमारी एक अजीब निशानी समझ में नहीं आती। तो ये अल्लाह की खूबसूरती है, ये अल्लाह का तरीका है बयान करने का, क्योंकि कुरान का हर एक अल्फाज बड़े ही अच्छे अंदाज में अल्लाह ने बताया है। इससे पहले मैं उसका बैकग्राउंड थोड़ा बता दूं कि कहफ वाले उस गार में पहुंचे कैसे। उस ज़माने में एक बादशाह था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से तकरीबन 100-120 साल पहले का वाक़या ये कुछ मुफस्सरीन बयान करते हैं। उस ज़माने में एक बादशाह रहता था दकियानूस नाम का, बड़ा ज़ालिम बादशाह था। वो बुत परस्त था और इतना बड़ा बुत परस्त था कि अपनी कौम को मजबूर करता था कि वो भी बुत परस्ती करें। पर उसमें से कुछ नौजवान ईमान ले आए, अल्लाह पे भरोसा किया उन्होंने और उन्होंने कहा कि बस हम अल्लाह की इबादत करेंगे। तो दकियानूस को ये बात पता चली उस बादशाह को और उसने उन नौजवानों को बुलाया और कहा कि भाई तुम अगर पहले दीन की तरफ नहीं आओगे, यानी कि बुतपरस्ती की तरफ नहीं आओगे, तो तुम्हें मजबूर किया जाएगा और तुम्हें मार डाला जाएगा। तो अपनी जान बचाने के लिए वो कुछ नौजवान वहाँ से अपने शहर से भागे, छोड़ा उन्होंने और एक गार में जाकर पना ली। पहले ज़माने में गार होया करता था, उनके साथ एक कुत्ता भी था जिसका जिक्र कुरान में है। तो ये बैकग्राउंड है। उसके बाद अल्लाह ने उनको 300 साल सुला दिया और वहीं उनका इंतकाल भी हो गया। अब यहाँ पे अल्लाह ने जो नवी आयत में फरमा रहा है कि क्या ये मेरी एक अजीब निशानी नज़र नहीं आती। फिर 10वीं आयत में अल्लाह अज़्ज़ वजल फरमाता है, इज अवल फितयतु, यानी कि वो कुछ नौजवान थे, इलल कहफी फ़कालू, उसके बाद उन्होंने दुआ मांगी। देखिए ये दुआ बड़ी ज़बरदस्त है, 10वीं आयत की दुआ आप भी याद कर लीजिएगा, हम सब भी याद करनी चाहिए। उन्होंने क्या दुआ मांगी, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। यानी उन्होंने ये दुआ मांगी उन चंद नौजवानों ने, नौजवानों के लिए बड़ी ज़बरदस्त सीख है ये। तो उन्होंने ये दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपने पास से अपनी रहमत अदा फरमा और हमारे काम में हमारी राह याबी, यानी हमारे काम में हमारी राह आसान फरमा। तो ये उन्होंने ये दुआ मांगी क्योंकि ये बहुत बड़ा फितना था उस वक्त, कि वो कुछ नौजवान थे, वो कोई बड़े लोग नहीं थे, एक आम लोग थे। उनके ज़माने में कोई नबी नहीं था, वो नबी भी नहीं थे और ना ही उनके ज़माने में कोई नबी आया था, ना किसी तरीके के वो आलिम थे। बस वो एक चीज़ जानते थे कि अल्लाह की इबादत करनी है और अल्लाह की बात में लौटना है। तो ये बहुत बड़ी इबरत है इस कहानी से, सिर्फ एक चीज़ जानते थे कि अल्लाह की हमें इबादत करनी है। और फिर वो गार में जाकर उन्होंने पना ली, उनके साथ एक कुत्ता भी था और अल्लाह ने वहाँ उनको 300 साल सुला दिया। जब 300 साल सुलाया तो अल्लाह ने उसका बताया कि 300 साल हमने उसको कैसे सुलाया, कि जब सूरज तुलू होता था, जब सूरज निकलता था, 17वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, जब सूरज निकलता था और जब गुरूब होता था यानी कि डूबता था, तो उनको हमने धूप से बचाया, यानी कि उनके उनके ऊपर धूप नहीं पड़ती थी। तो ये अल्लाह का निज़ाम था, बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ा ही खूबसूरत निज़ाम था अल्लाह का।
फिर 18वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उनकी करवटें, यानी उनकी करवटें हम बदल रहे थे, दाएं और बाएं। हम लोग अगर सोते हैं रात को तो हम अपनी करवटें बदलते हैं, ये अल्लाह का निज़ाम है, ये अल्लाह ताला करता है, हम नहीं करते, हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता। तो 300 साल अल्लाह ने उनको उस गार में सुलाया और उनकी करवटें बदल रहा था। और जो कुत्ता था उनके साथ, इसी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है जो कुत्ता था उनके साथ वो हाथ फैलाए दहलीज में, क्योंकि गार में कोई गेट नहीं होता था तो एक दहलीज की तरह होता था, तो दहलीज में ही हाथ बिछाए बैठा हुआ था कुत्ता, और इतनी भयानक शक्ल, इतना रोब डाल दिया था अल्लाह ने उनको। अल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई झांक कर देखता उस गार में तो उस कुत्ते की खौफ से वो भाग जाते, लोग उल्टे पाँव आप लौट जाते। तो अल्लाह ने कुत्ते कुत्ता उस उनके लिए इसलिए रखा था कि उनकी हिफाजत हो पाए, बस और कुछ नहीं। तो अल्लाह अज़ वजल का ये निज़ाम है। उसके बाद अल्लाह ने उनको 300 साल वहां सुला दिया। जब 300 साल के बाद वो उठे तो उन्होंने डिस्कस किया कि भाई हम लोग कितना 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 देर सोए, क्योंकि ये तो गुमान था नहीं कि हम 300 साल रह गए, 300 साल सो गए। तो किसी ने एक ने कहा कि हम एक दिन सोए या उससे भी कम। तो फिर उनमें से एक ने कहा कि ये बखूबी अल्लाह जानता है कि हम कितना सोए। फिर एक ने कहा, फिर एक ने, डिस्कशन चल ही रहा था आपस में जब उठ गए थे उन लोग गार पे, तो एक ने कहा कि भाई छोड़ो सब, मुझे भूख लगी है, बाजार के बाद इंसान उठता है तो भूख लगती है। तो उनमें से एक को उस जमाने की करेंसी दी, चांदी दी या अशरफी दी, कुछ भी दिया उस जमाने की, कुछ भी रहा हो, और उनसे फरमाया कि जाओ और शहर से जाकर कुछ हलाल खाना ढूंढ के ले आओ, पाक खाना, और देखना तुम्हें कोई ढूंढ ना पाए, क्योंकि वैसे भी जो बादशाह है हम लोग के पीछे पड़ा हुआ है, तुम्हें कोई ढूंढने ना पाए। तो फिर वो गए वहां पे, एक एक आदमी गया, एक शख्स गया वहां पे, वहां खाना लिया और वहां करेंसी अपनी दी, अपनी अशरफी दी। तो जाहिर सी बात है वहां का जो दुकानदार था या फिर रेस्टोरेंट वाला था या फिर होटल वाला था, आप 300 साल पुराना किसी रेस्टोरेंट पे जाइए, हल्दीराम जाइए, कि ये अशरफी है, तो क्या कहेगा वो, आपको मजाक उड़ाएगा, ये कहाँ से ले आए हो। तो वही हाल उनके साथ भी हुआ कि ये कहाँ से ले आए हो तुम। तो ये खबर धीमे धीमे करके उस वक्त के बादशाह को पहुंची कि एक एक इंसान ऐसा है जिसके पास 300 साल पुरानी करेंसी पाई है। तो वो बादशाह अच्छा था, कुछ मुफस्सरीन कहते हैं मुस्लिम था, कुछ मुफस्सरीन कहते हैं मुस्लिम नहीं था, जो भी था, तो वो बादशाह बहरहाल अच्छा था। तो वो बादशाह को बात पता चली और वो बादशाह ने वहां असहाबे कहफ वालों से मुलाकात की, गार वालों से मुलाकात की। उसके बाद अल्लाह ने उनको वहीं पे वफात दे दी, यानी कि सुला दिया वहीं पे, और वहां पे उनका इंतकाल हो गया। इस आयत के बाद, यानी कि 22वीं आयत में इबरत ये है, देखिए अब इबरत आ रही है, इबरत वैसे इस कहानी में बहुत है। अब 22वीं आयत में अल्लाह ताला कहता है कि कुछ लोग कहेंगे, क्योंकि बहुत लोग बहस करते हैं कि वो कितने थे, सबसे बड़ा सवाल तो ये था वो कितने नौजवान थे, इन नौजवानों के लिए बहुत बड़ी सीख है, वो कितने नौजवान थे। तो अल्लाह ने 22वीं आयत में फरमाया कुछ लोग कहेंगे 3 लोग थे, 3 नौजवान थे, चौथा कुत्ता था, कुछ लोग कहेंगे 5 थे, छठा कुत्ता था, कुछ लोग कहेंगे 7 थे, आठवां कुत्ता था। फिर इसी आयत में अल्लाह ताला आगे फरमाता है कुर रब्बी आलम, यानी आप कह दीजिए मेरा परवरदिगार बेहतर जानता है कि उनकी तादाद कितनी थी, तुम्हें बहस करने की जरूरत नहीं है। आम तौर से होता क्या है, इबरत क्या है, कुरान में अल्लाह चाहता तो बता देता कि कितने लोग थे, 3 थे, 5 थे, 7 थे, 70 थे, हमें क्या लेना देना, वो कुत्ता कौन था। बहुत से मुफस्सरीन, बहुत से लोग उस सिर्फ कुत्ते पे ही बहस करते हैं, वो कुत्ता कौन था, लेबराडोर था कि कौन सा कुत्ता था, हमें क्या लेना देना कि वो कुत्ता कौन सा था। इबरत क्या है इस कहानी से, इबरत ये है कि कुछ नौजवान थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, एक अल्लाह को मानते थे, तवक्कल किया, दुआ मांगी, ये इबरत है। हम बहस क्या करते हैं, वो कितने लोग थे, इसी पे बहस चर्चा चलती है। तो अल्लाह सुबहानहु व तआला ने साफ अंदाज में बयान कर दिया, अपने खूबसूरत अंदाज में बयान किया कि तुम्हें मतलब नहीं है, कुर रब्बी आलम, जितना बता दिया कुरान में उसी पे स्टिक रहो, उसी पे अमल करो, उतना ही अमल करो, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अल्लाह ताला चाहता तो बता देता कितने लोग थे उस गार में, पर अल्लाह ने नहीं बताया, जानबूझ के नहीं बताया। ये बहुत बड़ी इबरत है हमारे लिए। फिर रहे कितने साल, फिर 25वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाता है वो 300 साल रहे और 9 साल उससे ज्यादा गुजारे।
अब कुछ मुफस्सरीन कहते हैं 309 साल रहे, कुछ कहते हैं 300 साल रहे, 300 साल तो रहे, पर इसी आयत के आगे अल्लाह ताला फरमाता है 26वें आयत में कि और रब्बी आलम, यानी आप कह दीजिए, यानी कि अल्लाह बात बेहतर जानता है उनकी मुद्दत, यानी वो कितना रहे उस गार में, कितना रहे, वो सिर्फ अल्लाह बेहतर जानता है, तुम नहीं जानते। तो यहाँ पे जो उस वक्त यातम से जो सवाल पूछा असहाब कहफ के बारे में, गार वालों के बारे में, तो ये बहुत से लोग उस बारे में बहस करते हैं, बहुत से लोग आज भी ये बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, कितने लोग थे और कितने साल वहां रहे, 300 साल रहे या 309 साल रहे या 3000 साल रहे। मकसद ये है कि अल्लाह बेहतर जानते हैं, अल्लाह ने दो चीज़ों का बयान कर दिया कि उनकी उन वो कितने थे ये बेहतर हम जानते हैं, तुम नहीं जानते, इसकी टेंशन मत लो। उनकी मुद्दत कितनी थी रहने की वो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते, उस पर बहस मत करो। कुरान में जितना हमने बता दिया उतने पे अमल कर लो, इंशाअल्लाह राह रास्त पे आ जाओगे। तो ये कहानी जो पहली कहानी है सूरह कहफ की, यही कहानी है, ये बहुत बड़ी इबरत है, ये बहुत बड़ी इबरत है कि हम लोगों को चाहिए कि अल्लाह ने जो बयान कर दिया कुरान में बस उतने पे ही हम अमल करें। यहां पे सबसे बड़ी खूबसूरती इस कहानी की ये है कि अल्लाह ने जानबूझ के बहुत सी चीजें नहीं बताई और कुछ चीजें बताई, कितना रहे और कौन थे वो। तो ये चीजों इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी इबरत तो ये है कि वो कुछ नौजवान थे, कुछ यंगस्टर्स थे, कुछ यूथ थे। ये नौजवानों की लिए बहुत बड़ी सीख है कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उन्होंने तवक्कल किया अल्लाह पे और अल्लाह पे भरोसा किया कि हमें एक अल्लाह पे यकीन रखना है और अल्लाह के पास हमें लौट के जाना है। हसबुनल्लाह व नियमल वकील, जैसे कि सूरह आल इमरान की आयत है कि हम अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वही हमारा सबसे बड़ा वकील है, वही हमारा कारसाज है, वही हमारा पालने वाला है। तो ये जो तवक्कल है उन नौजवानों पे पूरा था, पे 100% था जिसे कहते हैं ये तवक्कल। हम लोग तो ये कहते हैं कि अल्लाह एक है, ये इस चीज़ पे हम लोग मुकरते नहीं है, पर कहीं ना कहीं जो तवक्कल पे कहीं ना कहीं हम लोग का ईमान डगमगाता है, वो बात तय है कि तवक्कल कहीं ना कहीं खो बैठते हैं हम लोग। तो इसी वजह से ये दुआ इन लोगों ने मांगी, नौजवानों ने, रब्बना आतना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये दुआ 10वीं आयत की है, ये आप लोग भी याद कर लीजिए, इंशाअल्लाह फायदा होगा। और जो भी बात मैंने कही वो सही बात जो कही वो अल्लाह की तरफ से है, और जो भी गलत बात कही वो शैतान और मेरे तरफ से है। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात बहुत होती है, कम से कम 15।